नमस्कार, मैं सुधीर कटके, कटके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चितापुर से। आज हम सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरी तरह से इस वीडियो में जानकारी लेंगे, इसीलिए हमारा पूरा वीडियो होने तक आप सभी बने रहिए। चलो फ्रेंड्स, हम पूरी तरह से सीखेंगे हमारे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन से आते हैं? हमारा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टेबल, बारकोड रीडर, लाइट पेन। और हमारे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन प्रोजेक्टर, हेडफोन, जीपीएस लोकेशन। इस तरह हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। हम हर एक डिवाइस को पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलो फ्रेंड्स आओ, फर्स्ट हमारा कौन सा डिवाइस आता है? इनपुट के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। इनपुट में कीबोर्ड, फर्स्ट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड, VOAD, ठीक है, कीबोर्ड। फ्रेंड्स, हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं हम इसको। यहाँ एंट्री करेगा तो इधर एंट्री करेगा तो हमारा मॉनिटर में, देखो आप कीबोर्ड में कुछ भी एंट्री करे तो कहाँ एंट्री हो रहा है? मॉनिटर में। तो हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट माउस, हम माउस का कर्सर इधर फिजिकली मूवमेंट करेगा तो हम अंदर इनबिल्ट मॉनिटर के अंदर इनबिल्ट मूवमेंट होता है। आप ये माउस नहीं मूवमेंट करना चाहिए, ये यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आप ये यूज करेंगे, ये माउस हमारा कंप्यूटर का माउस यूज कीजिए, घर का नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा तीसरा आता है स्कैनर। स्कैनर बोले तो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, आपके पास कोई भी प्रिंट प्रिंट करे सो डाटा, फोटो वगैरह किसी को भेजना है, सॉफ्ट कॉपी मेल वगैरह करना है, तो आप क्या करेंगे? आपका फोटो को स्कैनर में रखेंगे, स्कैनर में रख के स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद वो फोटो आपको कहाँ दिखेगा बोले तो लाइव मॉनिटर में दिखेगा। इसीलिए हमारा स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वेबकैम। वेबकैम देखिए फ्रेंड्स, वेबकैम बोले तो आप कौन सा भी वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग, कौन सा भी ऑनलाइन मीटिंग और क्लासेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीन आप वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन क्लास के लिए वेबकैम का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वेबकैम। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस आता है वेबकैम को इनपुट कहीं को कहते हैं बोले तो आप कौन सा भी डाटा रिकॉर्ड करे सो कहाँ सेव होता है? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर इनबिल्ट सेव होता है, इसीलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा माइक आता है। माइक ये माइक को हम इनपुट डिवाइस कहीं को कहते हैं बोले तो हम इसमें कौन सा भी बातें करेंगे, अगर हम इसके अंदर सॉन्ग वगैरह गाएंगे तो हमारा वॉइस ये फिल्टर करके अच्छे तरीके से बताता है, इसीलिए हम माइक को भी इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जॉयस्टिक। फ्रेंड्स ये हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक ये गेम वगैरह आप घर में कहाँ भी गेम वगैरह खेलते हैं, गेम खेलने टाइम पे बच्चों ये यूज करते हैं, कार गेम्स वगैरह रेसिंग करते हैं ना, यहाँ फिजिकली उन्होंने मूवमेंट करे तो इधर फिजिकली मूवमेंट करे तो गेम क्या करता है, हमारे मॉनिटर या टीवी को कनेक्ट होता है ना, उधर मूवमेंट होता है, इसके लिए हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल बोले तो ये एक टाइप माउस ही होता है। ये माउस आपने अभी तक नहीं देखा होगा, एक बार अच्छे से देखिए, ये ट्रैक बॉल इस तरह का एक माउस होता है, इसको राउंड में बॉल बोलते हैं, हम इसको ट्रैक बॉल भी बोल सकते हैं और बॉल बेस्ड भी माउस बोल सकते हैं। ये माउस को आप बिना हिलाए ही ये ट्रैक बॉल के इससे ही मूवमेंट कर सकते हैं आपके कर्सर, इसीलिए आप यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे इनपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट ग्राफिक टेबल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ग्राफिक टेबल बोले तो आप ये इस टाइप स्क्रीन का ग्राफिक टेबल यूज कर सकते हैं, इधर कौन सा भी लिखेगा तो आप इसको इनबिल्टली सेव कर पाएंगे डाटा, प्लानिंग वगैरह इंजीनियरिंग यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा बार कोड स्कैनर।
आप कहाँ भी मॉल वगैरह में कहाँ भी जाएंगे तो आप कौन सा भी शॉपिंग करेंगे तो ये बारकोड स्कैनर से आप बारकोड स्कैन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट पेन। ये पेन से आप कौन सा भी डाटा लेंगे तो भी इनबिल्ट इसके अंदर मेमोरी रहेगा ना, उससे सेव कर पाएंगे, इसीलिए हमारा इतने इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे।